नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं प्रिय हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरी है कि IAS बनने के क्या चांसेस है, या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हस्बैंड कैसे रहेंगे, फैमिली इश्यूज ज़्यादा हैं, तो इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले, काम करने वाले देखने को मिलते हैं। कभी किसी से दब करके या किसी के अंडर में कंफर्टेबली नहीं रह पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर ये देता है, इसीलिए किसी की सुनने की आदत आप जैसे जातकों में ज़्यादा नहीं होती है। और वहीं जो लिडिल फिंगर की अब लेंथ है, वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से बहुत ऊपर तक गई है, तो ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट देता है, जिसके तहत 10 काम को भी एक समय पर इजिली हैंडल, टेकल कर पाते हैं। और कोई भी काम आपको दिया जाए तो अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन भी कर पाते हैं। इस कंडीशन में एक प्रकार से नॉलेज और लर्निंग, ये दोनों बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी भी स्ट्रांग होती है। लेकिन कुछ थोड़ी कमियां हैं, उसके ऊपर आपको काम करना रहेगा। लेकिन यहाँ जो ये मर्करी फिंगर है, ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट को दर्शाता है, इसीलिए आपकी किसी प्रकार की मेहनत या प्रयत्न में कोई भी कमी रहने नहीं वाला है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रख लेना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। यहाँ पर जो गुरु की उंगली है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देने वाली रहेगी, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य के फिंगर आपको यहाँ पर रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण कोई भी नया काम शुरू करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके जब फिंगर के बीच में ऐसे गैप मेंटेन होते हैं, तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को भी दर्शाते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण इस कंडीशन में कम देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, कभी किसी के साथ संबंध अपने अत्यधिक बिगड़ने ना देना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। फिंगर के जो आपके नोट्स हैं, वो यहाँ पर आपके डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और फैलेंजेस यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है, स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता फिलहाल तो ठीक दिख रही है, लेकिन इन फ्यूचर डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रारंभ करें। थम का जो साइज है, वो सशक्त है, जो बहुत जल्दी किस्म का नेचर देता है, और इस कंडीशन में लिए गए डिसीजन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। और ये हठी, जिद्दी किस्म के नेचर के साथ साथ न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व भी दर्शाता है, जिसके कारण कभी किसी के साथ गलत होते हुए देख नहीं पाते। झूठ, फरेब, धोखेबाजी, दिखावटीपन, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर देखने को मिलते। रियाव का चिन्ह है, लेकिन ओपन है, पैसा ये देता है लेकिन रुकता नहीं है। दूसरा कि फोकस में थोड़ी ये कमी दे देता है, इस कंडीशन में मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे एक तो फोकस भी स्ट्रॉन्ग होता है और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ती है, और इंट्यूशंस भी इवन लाइफ में बढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए धार्मिक रहना, यानी दान धर्म या पूजा पाठ निरंतर करते रहना भी जरूरी है। सेकंड फैलेंज अच्छा जा रहा है, तो ये अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। अगर आप लॉजिक लगा के कोई भी डिसीजन लेते हैं, यानी पेशेंस रख करके, दूरदर्शिता रख करके, तो आपके डिसीजन से कभी भी आपको पछतावा नहीं रहेगा। आपका जो पाम का साइज है, वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ मेन बात है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देवें। जब गुरु के ऊपर आड़ी रेखा होती है, तो इस कंडीशन में ये विरागी की भावना भी देता है, क्योंकि फैमिली के प्रति जितना सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए फैमिली से इस कंडीशन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने चाहिए, अदरवाइज निराशा ही हाथ लगती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को मैरिज के बाद लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। यहाँ की आड़ी रेखा में जो पार्टनर होते हैं, वो डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल ज़्यादा होते हैं, और आपको भी जो है जीवन में धार्मिक इस प्रकार की रेखा बनाती है। तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ, ज्योतिष, रहस्यमय विद्याएं हैं, इन सबके प्रति रुचि भी बढ़ता है, और दान धर्म में आगे आते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। ये आड़ी रेखा जीवन में सोशल वर्क करने पर मजबूर करती है, इसलिए आप कहीं ना कहीं दान धर्म किया करें, जानवरों एवं जो पशु किसी भी प्रकार के हैं, उन सबको खान पान देते रहना, पालन पोषण हो सके तो करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
यहाँ की आड़ी रेखा धार्मिक ही नहीं बनाती बल्कि दयालु किस्म का नेचर भी देती है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना व खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना। तो फैमिली मैटर हमेशा आपके डिस्टर्बिंग रहेंगे, आपको किसी भी वे में फैमिली के मैटर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए या उनके मैटर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये जितना होगा आप उनको दे देंगे लेकिन वहाँ से मन चाह परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है। ऊपर से क्या हो गया कि सूर्य के ऊपर क्रॉस भी हो गया, तो ये पिता से, बंधुओं से, भाई बंधुओं से भी वैचारिक अनबन मतभेद दूरियां देता है और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी इस कंडीशन में लगते हैं। अब सूर्य जो है कारक है आपके करियर का, आपके नेम रिस्पेक्ट का, तो जब यहाँ पर क्रॉस होता है तो जितना वैल्यू या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, फोकस में कमी आ जाती है। आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है जो IAS क्लियर डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है जो लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को दर्शाता है, और ये सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि आप पढ़ाई लिखाई से पीछे भागते नहीं हैं, लेकिन जो कायनात है वो ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है, इसीलिए आपको सूर्य का रेमेडी परफॉर्म करना होगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जो शनि का क्षेत्र है उस पर भी हल्की सी आड़ी रेखा है जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। इस कंडीशन में चिंतात्मक स्वभाव होने लगता है, तो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना या चिंता कर लेना ये बेसिक नेचर में आने लगता है। तो इन सब का जो रेमेडी है एक वो आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, जिसको करने से आपको निश्चित रूप से बहुत जल्द जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करें आपके पार्टनर कैसा रहने वाला है, तो देखिए गुरु पर आड़ी रेखा है तो फैमिली के प्रति सुख नहीं है लेकिन मेरिड लाइफ अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। जब ये रेखा होती है तो पार्टनर के आने के बाद यानी स्पाउस के आने के बाद जीवन में जितने भी स्ट्रेस वरीज है वो सब कम होता है और ड्रीम डिजायर जो एम्बिशन से वो सब कम्प्लीट होता है। तो ये उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 28 और जो शुक्र का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है, तो तमाम तरह के लग्जरीज, सुख सुविधा, संपत्ति, समृद्धि, भोग विलास, ये सारी चीज़ें जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहेगी, यानी संतुष्ट में आपको जीवन शैली यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए पार्टनर भी अच्छे खासे पोस्ट अथॉरिटी, ऊपर से डेडिकेटेड आपके प्रति रहने वाले रहेंगे, तो इसीलिए आपको मेरिड लाइफ रिस्पॉन्स यहाँ अच्छा करा। उसके पीछे रीज़न एक और है कि आपके लिए मून लक लाइन भी है, तो भाग्योदय शादी के पश्चात अथवा जन्म स्थान से दूर जा करके होने वाला रहता है। इधर गुरु पर एक प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, तो बहुत बड़े सोच आपके बचपन से ही रहा है और अपने सोच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आपने किया नहीं है, और इस कंडीशन में निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। शनि पर जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में ये रिश्तों में भी थोड़ा तनाव दे देती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में भी रिश्ते में कहीं ना कहीं खलल आने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मूड स्विंग का इशू है तो आइए आपके करियर पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इसका अफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन जो है रुक रुक करके आपके हथेली में चल रही है, तो इस कंडीशन में काम रुक रुक करके अथवा देरी से होता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए जो रेमेडी आप करेंगे उसके बाद आपके जीवन में कंटिन्यूटी हर काम में आने लगेगा, हर काम से संतुष्टि मिलने लगेगा और शुभ परिणाम निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। सूर्य पर भले ही क्रॉस हो लेकिन आगे चल करके सूर्य ने जो है ट्राइडेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन को क्रिएट किया है, जिसके तहत खुद के दम पर नाम इज्जत कमाना और अपना नाम का परचम दूर दूर तक लहराना, जिसमें लोगों को सलाम ठोकना पड़ जाए, इस प्रकार का इज्जत सम्मान जीवन में मिलता है। लेकिन उसके पहले संघर्ष जीवन आपको करवा रही है, तो संघर्ष आपको घर परिवार के द्वारा ही ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, पराक्रम में भी कोई कमी नहीं है और खुद के कोशिशों से ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक शाखा जो है बाहरी मंगल से कनेक्टेड आ रहा है, ये बाहरी मंगल का क्षेत्र है और यहाँ से जब सूर्य रेखा प्रारंभ होती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो कि एक डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, जुनूनियत अच्छी रहती है। तो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं बल्कि सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो त्रिशूल की आकृति सूर्य पर सूर्य रेखा पे बन गई है ये बहुत अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा और तमाम तरह के जो धन वैभव कीर्ति है उन सबको भी क्रिएट करता है, इसलिए आपके नाम से कितने लोगों का घर चलने वाला रहेगा आगे चल करके। तो ये फॉर्मेशन बहुत बढ़िया दिखा। मरकरी की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है, एक से अत्यधिक रेखा कुल मिलाकर के लैंग्वेज में एक प्रकार से जो है पकड़ देती है, तो इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी अच्छा गेन होते हुए देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लटी रोमांटिक नेचर देता है, आप अपने पार्टनर के प्रति भी डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे। आपका जो हार्ट लाइन है वो एक सिस्टमेटिक वे से नहीं चल रहा, जब ऐसे ओवरलैप करके चलता है हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं होता और इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये माइंड माइंड लाइन और हार्ट लाइन मिलकर बना देगी, कभी बहुत ज़्यादा
वर्कोहोलिक बना देगी, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो ये अपने इमोशंस पे आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन जब कंट्रोल नहीं होता तो अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में आया हुआ यूँ की यूँ ही चला जाता है, और क्योंकि फोकस में कमी रहती है। अब जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल या सीरियस हैं, तो चाहे कितनी भी अच्छी घटनाएं जो है जीवन में क्यों ना हो रही हो, मज़ा आएगा ही नहीं। कभी वैराग्य की भावना आई, तो चाहे कितना भी सीरियस कोई अपॉर्चुनिटी क्यों ना आया हो या सीरियस कोई बात क्यों ना हो, मन लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए इन इमोशंस को अपने वर्क के ऊपर कभी भी हावी होने ना दें। और यहाँ पर देखेंगे तो मिक्स नेचर है आपका, जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप अपने आप को ढालेंगे। माइंड लाइन पर भी ऐसी चेंजेस है, क्योंकि माइंड लाइन में स्टार्टिंग में आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो बचपन से ही कष्ट कहीं ना कहीं देखे हैं और अभी भी देख ही रहे हैं। 26 की उम्र यहाँ दिख रही है, अभी भी कष्ट ही है। लेकिन उम्र 28 से भाग्योदय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी और सपोर्टिव लाइन भी आ रही है। तो एक साथ दो शुभ घटनाएं होंगी, शादी भी और सेटलमेंट भी लाइफ के प्रति। लेकिन उसके पहले रेमेडी सब ये सब परफॉर्म करना होगा जो आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। माइंड लाइन देख सकते हैं कि फिर सीधे गया और फिर उसका डिक्लाइन हो गया, जो कि डीप थिंकर यहाँ पर बनाता है और इमेजिनेटिव स्किल देता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में रहना, क्योंकि चंद्र इमेजिनेशन है, तो ये एक प्रकार से डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर भी देता है। तो इस कंडीशन में नर्वसनेस भी जल्दी आने लगता है, इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से खासकर आपको बचना है। बाकी तो कोई तकलीफ ये माइंड लाइन नहीं देती, इनफैक्ट बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, ये सब ये माइंड लाइन जो है देने वाला रहता है। तो ये माइंड लाइन लॉन्ग भी है, तो आपको छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहेगी, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में आप यहाँ सक्षम भी देखने को मिलेंगे। वहीं जो लाइफ लाइन है वो आपको बाहर में झुका है, तो जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः आपके रसने बसने के योग हैं। आपका खुद का घर बार सब चीज़ या कार्यालय भी आपका जन्म स्थान से दूर ही रहने वाला है। और फिर उसका ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। फिर कुछ राहु की रेखाएं हैं जो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देती हैं, जो आपको मिल सकता है 32 और 36 के एज में, लेकिन उस समय भी क्या है कि सपोर्टिव लाइन है, तो कोई बहुत स्ट्रेस वाली या ट्रबल वाली बात यहाँ पर फिर है नहीं। अंदरूनी मंगल पे काम करना ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। बाहरी मंगल विकसित ठीक जा रहा है, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र बहुत वेल पोजिशन में, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बड़े शौक हनुमान रहते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत इस कंडीशन में करते हुए पाए जाते हैं। सीधे खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी बहुत देती है लाइफ में, ताकि जीवन शैली सुधार सके। आड़ी रेखाओं की श्रृंखला कम है, तो कहीं ना कहीं चिंताओं को आगे चल करके आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हावी होने नहीं देंगे, या जो घरेलू चिंता तकलीफ परेशानी है बहुत हद तक खत्म ही हो जाएगी आपकी। इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों का नॉलेज इस प्रकार का शुक्र अच्छा देता है। केतु पर भी आप देखें, फिश सिंबल का साइन आ गया, ये चंद्र से कनेक्टेड है, इसलिए जन्म स्थान से दूर भाग्य उदय होने के पूर्णतः योग है। विदेश यात्रा के भरपूर योग है हथेली में। मून लक लाइन जब रहती है तो मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार सहयोग अच्छा मिलता है। मनी ट्रायंगल ओपन है, लेकिन इसलिए पैसा जीवन में आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए इस कंडीशन में ठीक रहेगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड में लक लाइन के रिगार्डिंग, तो मून लक लाइन है, तो शादी के तत्पश्चात भाग्योदय होता है और खुद के मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते हैं। माइंड लाइन से यहाँ पर रेखा निकल के सीधे जुपिटर पे गया, और जुपिटर हाई पोस्ट अथॉरिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट का कारक है, तो खुद के बुद्धिमता, खुद के परिश्रम से बड़े पद अधिकारी आप होने वाले रहेंगे। क्रोसेस के साइन से नीचे, लेकिन उसके बाद फिर सूर्य रेखा पर वी सिंबल भी आया, और फिर एक शाखा बुध और सूर्य के बीच में गया, जिसके कारण खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम रहेंगे। माइंड लाइन इस हथेली में बिल्कुल स्टेबल है। बायफोर्क का साइन है, जो चतुर चालाकीपन को दर्शाता है, यानी कष्टों को तकलीफों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे, और पूर्णतः सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो बहुत कोई तकलीफ है ही नहीं। देखिए कितने अच्छे रिस्पॉन्स आपके पाम में आ रहे हैं। इसीलिए 28 तक वेट करिए, रेमेडी परफॉर्म करिए, ट्रिमेंडस सक्सेस अपॉर्चुनिटी और लक, ये तीनों कॉम्बिनेशन के साथ आपका जीवन शैली आगे चलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो और शत प्रतिशत IAS बनने के योग है, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, कैपेबिलिटी है। सूर्य का सपोर्ट मिलने की देरी है, बाकी जुपिटर का सपोर्ट है आपके पाम में, जो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक डेफिनेटली पहुँचाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।